मदन त्रिवेदी। किस क्लास के छात्र? 8th। क्या कुछ आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ नया सीखने को मिला? हम लोगों के हमारे अधिकारों की बात बताई जा रही है, हमारे स्कूल में जो भी समस्या है वो पूछी जा रही है और हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। समस्याएं हमारी कुछ स्कूल्स हैं जिनमें यही सारी सेम समस्याएं हैं, तो वो सारी समस्याओं को हम लेकर के प्रस्तुत और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम साथी हैं। क्या कुछ आज यहाँ पे प्रोग्राम बच्चों के लिए? आज बाल संवाद में ही हमारा अध्यक्षता रही है, बाल संरक्षण आयोग से जो सर आए हैं उनके साथ में ही हम लोग बच्चों के साथ में, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, मदरसों से बच्चे हैं, उनके साथ में ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों पे हमारा काम है और जो कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मानकों के आधार पर क्या बच्चों को वो शिक्षाएँ दी जा रही हैं, क्या सिलेबस के अनुसार शिक्षाएँ दी जा रही हैं, या उनके स्कूल में क्या क्या समस्याएँ हैं उन पर हम लोग काफ़ी सोच की व्यवस्था और गंदगी भी काफ़ी रहती जी है। जी स्वच्छता, हाँ साफ सफाई स्वच्छता पर भी हम लोगों ने बात करी। मेरा नाम रामायण यादव है और मैं विज्ञान फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। क्या कुछ आज बच्चों के लिए? आज जो बच्चों के जो राइट है उस राइट के तहत बच्चों का एक संवाद का आयोजन किया गया है, जो विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आए हैं, कुछ जनपद से आए हैं, बलरामपुर जनपद से बच्चे भी आए हैं। इन बच्चों के साथ हम जो बाल संवाद है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के सामने ये अपनी बातों को रख रहे हैं जिससे कि उनकी सेवाओं में, उनकी व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। डॉक्टर विशेष गुप्ता, यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। भारत माता की जय। आंचलिक विज्ञान केंद्र में एक संवाद का कार्यक्रम किया गया है जिसमें यूनिसेफ है, जिसमें ऑक्सफैम है, जिसमें नवयुग सेवा प्रादेशिक कल्याण समिति है और भी जो एनजीओज हैं उन्होंने मिलकर एक कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम का तात्पर्य यह है कि इस बच्चे जो 18 साल से कम के हैं, नाबालिग हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, उनसे संवाद किया जाए।